नमस्ते। इसका नाम तो सुधा नहीं, दुधा होना चाहिए था। इसको तो पटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो खुद चल के आएगी। मेरा वो सबसे बड़ा बेटा है ना, इसका पति वो पिछले 2 साल से विदेश में रह रहा है। रतनलाल जी, इंटरनेट ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली, वाईफाई, वायरलेस, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए आदमी को अपना तार औरत के मोडम में डालना ही पड़ता है। बच्चा वाईफाई से डाउनलोड नहीं हो सकता। बाबा जी, इंटरनेट और वाईफाई से पहले तो तार से ही काम चलता था, तब भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि 2 साल पहले तो वो इधर ही थे, तब भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। चिंता मत करो पुत्री, हम तुम्हारे मोडम में ऐसी औषधि डालेंगे कि उसके बिना ही बच्चा पैदा हो जाएगा। बाबा जी, ये है मेरी दूसरे नंबर की बहू शीतल। नाम शीतल है लेकिन स्वभाव से थोड़ा कठोर है। अरे कितने भी कठोर क्यों ना हो, हम तो वो हैं जो लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देते हैं। तातिया बाबा जी, ये है मेरा दूसरे नंबर का बेटा पंकज, इसका पति। शाबाश बाबा जी, ये कॉल सेंटर में काम करता है लेकिन नाइट ड्यूटी में रहता है। अब रतनलाल जी अपनी नाइट की ड्यूटी वहां निभाएगा तो यहाँ की ड्यूटी कब निभाएगा? बताइए बच्चा कैसे पैदा होगा? बाबा जी, हमारी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो तो कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, इस करके बच्चा नहीं हो रहा है। आप ना ज्यादा ज्ञान मत बांटिए। बाबा जी से ऐसे बात करते, माफी मांगो। रहने दीजिए रतनलाल जी, रहने दीजिए, बच्ची है, हमने माफ किया। बाबा जी, ये है मेरी सबसे छोटी बहू पुष्पा। पुष्पा झुकेगा नहीं। पर बाबा, झुकेगा नहीं तो बच्चा कैसे पैदा होगा? बाबा जी, ये है सैम, मेरा नालायक बेटा, पुष्पा का पति। नालायक तारचू, दिन भर बस जिम में करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता। बेटा सैम, दिन भर जिम में डंबल उठाते रहो तो बड़े बड़े नंबल कब उठाओगे? अब मेरा मतलब है, अपनी बीवी को समय कब दोगे? बेटा पूरे दिन में इतनी भी ऊर्जा मत खत्म कर दो कि रात के लिए कुछ बचे ही नहीं। बाबा जी, ये है किरण, हमारे घर का काम करती है लेकिन परिवार जैसा। किरण बेटा पैर छू। तुमको भी बच्चा नहीं हो रहा है? अरे नहीं नहीं बाबा जी, मेरे तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। चलिए बाबा जी के विश्राम का समय हो गया है, शाम में समाधान के साथ बाबा यही मिलेंगे। बोलिए रेंचो बाबा की जय। तो बाबा आगे का प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है, यहाँ 3 दिन रुकना है और 3 सुहागरात मनानी। इन लोगों को पुत्र धन की प्राप्ति हो जाएगी और हम लोगों को और हमको खूब सारे धन की। पर ये होगा कैसे बाबा? ये होगा इन लड्डुओं से। लड्डुओं से? चतुर, ये बहुत ही खास लड्डू हैं। ये देख रहे हो, ये नॉर्मल लड्डू हैं और इस पैकेट में 3 ऐसे लड्डू हैं जिसे खाते ही कोई भी अपने आप को सेक्स करने के लिए रोक नहीं पाएगा और हमारे पास खुद ब खुद खिंचा चला आएगा। तो हर रोज 3 बहुओं को एक एक करके ये लड्डू खिलाने हैं। वाह, और घर के बाकी लोग क्या सीधा प्रसारण देखेंगे और ताली बजाएंगे? उनका क्या करोगे? उनका इलाज है ये धूप। एक काम कर, हर रोज लड्डू खिलाने के बाद तुम इन सब के कमरों में धूप घुमा देना और जिसको हमने लड्डू खिलाया है उसके कमरे में मत जाना। बाकी लोग इस धूप को सूंघते ही अगले दिन तक बेहोश ही रहेंगे।
क्या बात है, मतलब बाकी सब सो जाएंगे और आप किसी की बाहों में खो जाएंगे। एकदम सही पकड़े हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, धूप घुमाते समय अपना मुंह जरूर ढक लेना, वरना धूप घुमाते घुमाते कहीं तुम ही ना बेहोश हो जाओ। ठीक है बाबा। चतुर सही बात बता, मैं इतनी लड़कियां पेलता हूँ, बार बार लड़की पेलने की बातें करता हूँ और तू हमेशा मेरे साथ रहता है, तो तुझे कुछ नहीं होता क्या? नहीं बाबा, मैंने कसम खाई है, मैं उसी के साथ सेक्स करूंगा जिसके साथ मुझे शादी करनी है। वाह 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 वाह, क्या उच्च विचार है तेरे बहन चोद, तुझे तो असली बाबा के साथ होना चाहिए था। क्या बाबा, अभी आजकल असली बाबा बचे ही कहाँ है। हाँ, ये बात भी तो सही है। बाबा की जय हो। बाबा बाबा चतुर जी, बाबा ने कोई समाधान सोचा क्या? बिल्कुल सोचा है, पूरे 2.5 घंटे ध्यान करने के बाद समाधान मिला है, अभी आँख खोलने के बाद समाधान बताएंगे। अच्छा अच्छा। लगता है बाबा गहरी समाधि में चले गए हैं। लगता है गहरी समाधि नहीं, गहरी निंद्रा में चले गए तुम्हारे बाबा। उठाओ उन्हें। इसको मैं पूछ रहा, मां पे भरोसा रखें।